हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है फोर लिटिल फॉक्सेस और इसके ऑथर हैं ल्यू सैरेट। ये एक अमेरिकन पोएट, लेक्चरर और एक टीचर भी थे। ये नेचर और नेटिव अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। इनके ज़्यादातर प्लेस प्रकृति और नेटिव अमेरिकन लिटरेचर पर ही बेस्ड होते थे। इस पोएम के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम में है क्या। ये एक बहुत ही पेनफुल पोएम है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मदर फॉक्स शिकारी के जाल में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठती है और उसके चार बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उसके जाने के बाद उसके बच्चे जो नए नए ही इस दुनिया में आए थे, उन्हें ठंडे मौसम में खुली हवा में कितनी तकलीफ होती है, इस भाव को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और जब पोएट उनकी मदद करते हैं तो वो बच्चे क्या क्या फील करते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले करते हैं स्टेंजा वन। स्पीक जेंटली, स्प्रिंग एंड मेक नो सडन साउंड, फॉर इन माई विंडी वैली यस्टरडे I found newborn foxes squirming on the ground. Speak gently. यहाँ पोएट स्प्रिंग से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवाएं थोड़ी धीरे चले और तेज बहकर किसी तरह का शोर ना करे, क्योंकि पिछले दिन ही ऑथर को अपने विंडी वैली में, मतलब ऑथर जहाँ रहते हैं वो पहाड़ियों से घिरा है और स्प्रिंग के टाइम पर वहाँ हवाएं बहुत तेज़ और बर्फीली होती थी, और उसी विंडी वैली में ऑथर को चार छोटे छोटे न्यूबॉर्न फॉक्सेस मिले थे जो डिस्कम्फर्ट की वजह से ज़मीन पर इधर उधर लौट रहे थे। स्पीकर फिर से नेचर से निवेदन करते हैं कि हवाएं धीमी गति में बहे। अब बढ़ते हैं स्टेंजा टू की ओर। वॉक सॉफ्टली, मार्च For bear the bitter blow, her feet within a trap, her blood upon the snow. The four little foxes saw their mother go. Walk softly. अब पोएट मार्च के महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठंडी हवाओं को तेज चलने से रोके। आगे इस स्टेंजा में ऑथर इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे इन चार न्यूबॉर्न फॉक्सेस की मदर एक हंटर के जाल में फंस गई होगी और उसका शिकार कर लिया गया होगा। स्पीकर बताते हैं कि मदर फॉक्स के पैर जाल में फंस गए होंगे, उसका खून बर्फ पर गिर रहा होगा और वो चारों नन्हे मुन्ने फॉक्सेस अपनी मदर को मरते हुए देख रहे होंगे, लेकिन वो तो अभी अभी ही इस दुनिया में आए हैं, उन्हें कहाँ से पता होगा कि उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। इसलिए ऑथर इन चारों मासूम और इनोसेंट फॉक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हवाएं धीरे चले। अब करते हैं स्टेंजा थ्री। गो लाइटली, स्प्रिंग, ओह गिव देम नो अलार्म, व्हेन आई कवर्ड देम विद पॉज टू शेल्टर देम फ्रॉम हार्म, द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म, गो लाइटली। आगे फिर पोएट स्प्रिंग से प्रार्थना करते हैं कि हवाएं धीरे चले और उन लिटिल फॉक्सेस को ना डराए। स्पीकर आगे बताते हैं कि जब उन्होंने उन लिटिल फॉक्सेस को बड़े बड़े पत्तेदार पेड़ की टहनियों से ढक दिया ताकि उन्हें तेज हवाएं किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके और वे चैन से रह सके, तो वो चारों फॉक्सेस पोएट के आर्म से लिपट गए। उन्हें पोएट से अपनापन महसूस हो रहा था। उन्हें लगा उनकी माँ उन्हें फीड करने, उनका पेट भरने आ गई हो। यहाँ फॉक्सेस को थिन और ब्लू इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारे फॉक्सेस बहुत कमज़ोर और पतले दुबले थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था और वो सारे फॉक्सेस बहुत ठंडे थे, मतलब उनकी पूरी बॉडी ठंडी थी। उन्हें इस बर्फ और ठंडी हवा से बचाने वाला कोई घर भी नहीं था, इसलिए
इन्हें ब्लू कहा गया है। पोएट फिर से स्टॉर्मी हवा से निवेदन करते हैं कि हवाएं धीरे चले। अब है लास्ट स्टेंजा, स्टेप सॉफ्टली मार्च विथ योर रैम्पेंट हरिकेन नजलिंग वन अनदर एंड विम्परिंग विथ पेन द न्यू लिटिल फॉक्सेस आर सेवरिंग इन द रेन स्टेप सॉफ्टली। पोएट मार्च से रिक्वेस्ट करते हैं कि हवाएं एकदम सॉफ्टली चले और अपने साथ उन अनकंट्रोल्ड आंधी तूफान को ना लाए, और अगर लाए भी तो वो शांति से आए और चले जाए। ये सारे फॉक्सेस खुद को गर्म रखने के लिए एक दूसरे की बॉडी पर अपने नाक रगड़ रहे हैं, एक दूसरे को रब कर रहे हैं, दुख और दर्द से रो रहे हैं। और मौसम इतनी ठंडी थी कि ये चारों फॉक्सेस इस बर्फ की बारिश में ठंड से ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। इनके लिए, इनकी जान बचाने के लिए पोएट मार्च से हवाओं को धीरे चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ फाइनली पारी है अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीकर को क्या मिला था और वे कहाँ पे थे? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर को 4 न्यूबॉर्न फॉक्सेस मिले थे जो ग्राउंड पे इधर से उधर मूव कर रहे थे। ये सब स्पीकर के विंडी वैली में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक लाइन दी गई है, द 4 लिटिल फॉक्सेस सॉ देयर मदर गो। तो उन चारों लिटिल फॉक्सेस ने क्या देखा और उनकी माँ कहाँ चली गई थी? इसका आंसर हो जाएगा, उन चारों लिटिल फॉक्सेस ने अपनी मदर को एक शिकारी के जाल में फंसते हुए देखा। एक हंटर ने, जिसने वो जाल बिछाया था, उसने उनकी मदर फॉक्स को मार दिया और उसे अपने साथ ले गया। क्वेश्चन नंबर 3, मदर फॉक्स के साथ जो भी हुआ, आपके हिसाब से उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, स्पीकर या फिर फॉक्स हंटर? इसका आंसर हो जाएगा, मदर फॉक्स के साथ जो भी हुआ उसके लिए फॉक्स हंटर रिस्पॉन्सिबल थे। क्वेश्चन नंबर 4, जब स्पीकर मार्च से कह रहे हैं कि वो सॉफ्टली वॉक करे और सॉफ्टली स्टेप करे, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब स्पीकर मार्च से सॉफ्टली वॉक करने और स्टेप करने बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हवाएं थोड़ी धीरे बहे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन चार लिटिल फॉक्सेस को बचाने वाला कोई भी नहीं था, वे सब ठंड में ठिठुर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीकर कहते हैं कि फॉक्सेस न्यूबॉर्न थे और हेल्पलेस थे। इस सिचुएशन को और किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये कुछ लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें फर्स्ट लाइन है, द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म, और दूसरी लाइन है, द न्यू लिटिल फॉक्सेस आर सेवरिंग इन द रेन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा लाइन ये बताता है कि उन छोटे छोटे फॉक्सेस ने स्पीकर को गलती से अपनी माँ समझ लिया था और उन्होंने ऐसा क्यों समझा था? इसका आंसर हो जाएगा, द थिन ब्लू फॉक्सेस सकल्ड एट माई आर्म। ये लाइन हमें बताता है कि उन छोटे छोटे फॉक्सेस ने स्पीकर को अपनी माँ समझ लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए समझा क्योंकि स्पीकर ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें पत्तों से ढक दिया था, लेकिन इस तरह का स्नेह और प्यार सिर्फ एक माँ ही दिखा सकती है। इसलिए उन फॉक्सेस ने स्पीकर को अपनी माँ समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, हम सभी जानते हैं कि स्प्रिंग का मौसम प्लीजेंट वेदर के लिए जाना जाता है और साथ ही में इस वक्त खेती भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी
स्पीकर स्प्रिंग से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो फॉक्सेस के साथ थोड़े जेंटल हो। तो स्पीकर ने ऐसा क्यों ज़रूरी समझा? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर ने ऐसा ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि उन चारों लिटिल फॉक्सेस ने अपनी मदर को खोया था। उनके पास रहने के लिए ना तो कोई जगह थी और ना ही उन्हें कोई बचाने वाला प्रोटेक्टर। अगर स्प्रिंग उनके साथ जेंटल नहीं होता तो वो फॉक्सेस भी अपनी मदर के तरह मर जाते। तो कैसी लगी आप लोगों को ये पोएम, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।